नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 दिमागी पहेलियाँ और कुछ IAS इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न लाया हूँ दोस्तों, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, आपके सामने इन सवालों को सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है ताकि इस तरह के सवाल आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो कितनी सावधानी और सतर्कता के साथ आपको इसका जवाब देना है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर दिया हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप यहीं से देख सकते हैं। दोस्तों, हर सवालों का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा और आपको इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला सवाल है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं तो वापस 101 लोग आते हैं? उत्तर, शादी में बारात लेकर। दूसरा सवाल है, अगर नाक पर चढ़ जाऊं तो कान पकड़कर खूब पढ़ाऊं, बताओ क्या? इसका जवाब है ऐनक, यानी चश्मा। तीसरा सवाल है, दो समुदायों के लोग एक साथ जुलूस निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, मैं दोनों समुदायों से बात करके अलग अलग टाइम दूंगा, लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो मैं DM होने के नाते मैं दोनों को परमिशन नहीं दूंगा। चौथा सवाल है, एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुनाकर मारे तीर, बताओ क्या? इसका जवाब है मच्छर। पांचवा सवाल है, उस चीज का नाम बताइए जिसे पीटने में लोगों को बहुत मजा आता है। तो इसका जवाब है ढोल। छठवां सवाल है, वह कौन सा काम है जो इंसान मरने के बाद भी कर सकता है? तो इसका जवाब है अंगदान। सातवां सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय हरी और इस्तेमाल करते समय लाल होती है? तो इसका जवाब है मेहंदी। दोस्तों, कहीं कहीं पान भी लिखा मिलेगा। आठवां सवाल है, राम मंदिर में आप कौन से पक्ष में कोर्ट में केस लड़ेंगे? तो इसका जवाब है, मैं दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला लूंगा, दोनों ही पक्ष हमारे देश के हैं तो मैं दोनों पक्षों को जानने के बाद ही अपना फैसला लूंगा कि मैं किसके पक्ष में केस लड़ूंगा। नवा सवाल है, ऐसा क्या है जिसे लड़के अपने माँ बाप को दे सकते हैं लेकिन लड़कियाँ नहीं दे सकती हैं? उत्तर, अर्थी को कंधा। दसवां सवाल है, ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम भी आती है? उत्तर, चीनी भाषा। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।